गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 6, क्रॉप ऑफ पर्ल्स, क्लास 4th, इंग्लिश ब्रिज। क्रॉप ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स मीन्स मोती, तो क्रॉप ऑफ पर्ल्स क्या हो गया, मोतियों की फसल। वंस देयर वॉज अ किंग हु वॉज जेनरस एंड काइंड, एक बार एक राजा था वो बहुत दयालु था। He was interested in the welfare of all his subjects, and it wish was his greatest that all should live in peace and happiness and none should have any cause to grumble. उसका ये इंटरेस्ट था और उसकी ये इच्छा थी कि क्या हो, उसकी जो प्रजा है वो क्या रहे, अच्छे से रहे। उसकी एक इच्छा भी थी कि उसकी प्रजा में सब लोग क्या रहें, पीस और हैप्पीनेस से रहें और किसी को भी कोई दुख ना हो, कोई भी इंसान दुखी ना हो, ये उसकी इच्छा थी। और वो क्या करता था, लोगों के भलाई के लिए काम करता था। सो ही वॉन्टेड अबाउट द कंट्री इनकॉग्निटो टू लर्न द ट्रू कंडीशन ऑफ हिज पीपल, इसीलिए वो क्या करा, उसने एक दिन अपने कंट्री में भेस बदल कर क्या किया, निकला और लोगों की कंडीशन देखने गया। इनकॉग्निटो मतलब भेस बदल कर उसने क्या किया, अपनी कंट्री में देखने गया कि कहाँ कहाँ किस किस लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है। वन डे वेन ही वॉज इन अ डिस्गाइज ही सॉ स्ट्रेंज साइट, एक दिन जब वो भेस बदल कर जा रहा था तो उसको एक अजीब सा नज़ारा दिखा। अ फार्मर वॉज विग्रसली प्लफिंग हिज फील्ड, बट इंस्टीड ऑफ अ पेयर ऑफ ऑक्सन ही हैड यॉक्ड अ वुमेन टू द प्लफ, उसने देखा कि एक फार्मर जो है वो जोड़ लगाकर अपने खेत को जोत रहा है और उसने ये देखा कि हल को जोतने के लिए जहाँ बैल होते हैं वहाँ पर कौन था, एक औरत थी। उस औरत को क्या कर रखा था, हल के आगे बांध रखा था और वो क्या कर रही थी, उस खेत को जोत रही थी। द किंग्स ब्लड बॉइल्ड, ये देखकर जो राजा था उसका खून खौल गया। ही कुड बेयरली कंट्रोल हिज एंगर, उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया। वॉट आर यू डूइंग, राजा ने बोला तुम क्या कर रहे हो, वो तेज आवाज में बोला। ही डिमांडेड शार्पली, हैव नॉट यू एनी ऑक्सन, वो बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बैल नहीं है। Why are you making this woman draw your plough? तुम अब इस औरत से जो हल है वो क्यों जुतवा रहे हो। She is my wife, quietly replied the farmer. फार्मर नीचे देख के धीमी से आवाज में बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। Your wife, screamed the king. तुम्हारी बीवी, राजा हैरान होकर बोलता है। What do you suppose a wife is, a slave or a beast of burden? तो राजा बोलता है कि तुम अपनी बीवी को क्या समझते हो, अ स्लेव नौकर समझते हो या फिर बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब एक बोझा ढोने वाले जानवर को बोलते हैं, तो क्या तुम अपनी बीवी को नौकर समझते हो या बोझा ढोने वाला समझते हो। द फार्मर ब्लड, यू कैन अफोर्ड टू टॉक लाइक दैट, फार्मर बोलता है कि आप इस तरीके से बात कर सकते हो। यू रिच पीपल विथ योर हॉर्सेज एंड करियजेस डू नॉट नो वॉट पॉवर्टी एंटेल्स, आप जैसे अमीर लोग जिनके पास घोड़े हैं और सामान तोपने के लिए अपने जानवर हैं वो क्या जाने गरीबों की क्या ज़रूरत होती है। आई हैव बिकम सो पुअर दैट आई हैड टू सेल माई ऑक्सन टू मेक एंड्स मीट, वो बोलते हैं कि मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे अपनी डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ा, अपने बैलों को बेचना पड़ा। बट अ फार्मर मस्ट टिल हिज लैंड टू अर्न अ लिविंग, और अब कमाने के लिए मेरे पास खाली यही एक ज़मीन का टुकड़ा है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। सो आई हैव आस्क्ड माई वाइफ टू डू द जॉब ऑफ बुलक, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि क्या वो बैलों की जगह वो काम करेगी। शी इज़ नॉट कंप्लेनिंग, और उसको इससे कोई शिकायत नहीं है। द आंसर डिड नॉट सेटिस्फाई द किंग, इस आंसर से राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ही सेड फर्मली आई विल नॉट टॉलरेट दिस, उसने बोला कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। Whatever you say may, it is most inhuman to use a woman in this way. तुम कुछ भी बोलो पर ऐसे किसी औरत को इस तरीके से यूज करना काम के लिए गलत है। I will give you enough money to buy a bullock. मैं तुमको इतना पैसा देता हूँ कि तुम बैल खरीदो, but you must immediately release the lady. लेकिन तुमको क्या करना पड़ेगा, अपनी इस लेडी को, औरत को यहाँ से, इस जॉब से हटाना पड़ेगा, इस जगह से हटाना पड़ेगा। It was now the farmer's turn to agree. नाउ अब की बार क्या हुआ, फार्मर को गुस्सा आ गया। हु आर यू टू ऑर्डर मी अबाउट, वो बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले। ही आस्क्ड कूटली, उसने
गुस्से से बोला, रूड तरीके से बोला कि तुम हो कौन होते हो मुझे ऑर्डर देने वाले, वाई शुड आई एक्सेप्ट योर मनी, आई एम नॉट अ बेगर। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे क्यों एक्सेप्ट करूँ, मैं कोई गरीब भिखारी नहीं हूँ, मैं बेगर नहीं हूँ, बेगर मतलब भिखारी नहीं हूँ। द किंग देन स्पोक जेंटली, प्लीज अनयोक माई सिस्टर। तो राजा ने विनम्रता से बोला कि प्लीज मेरी बहन को आज़ाद कर दो। द फार्मर लाफ डेरिजिवली, इफ यू फील सो सॉरी फॉर योर सो कॉल्ड सिस्टर, वाई डोंट यू टेक हर प्लेस? इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, आई शैल इमिडिएटली रिलीज द लेडी। फिर जो फार्मर है वो शरारती आवाज़ में ज़ोर से हंसने लगा और वो बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी सो कॉल्ड बहन के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो क्यों ना तुम इसकी जगह पर आ जाओ, अगर तुम इसकी जगह पर आ जाओगे तो मैं इसको जल्दी से यहाँ से हटा दूंगा। द किंग एट वंस एग्रीड, और राजा क्या हो गया, इस बात के लिए तैयार हो गया। दैट फार्मर हैड नो अल्टरनेटिव बट टू अनयोक हिज वाइफ एंड योक द किंग टू द प्लव। और राजा के पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, उसने क्या किया, अपनी वाइफ को वहाँ से हटा के राजा को बैल की जगह बांध दिया। द किंग स्टार्टेड टू ड्रॉ द प्लव थ्रू द फील्ड बट ही वॉज नॉट यूज टू मैनुअल लेबर एंड सो पार्ट ऑफ द लैंड वॉज बेडली प्लव्ड। फिर क्या किया किंग ने, राजा ने खेत जोतना शुरू किया और इससे पहले कभी उसने इतनी मेहनत नहीं करी, तो उसने जो खेत का पात जोता था वो अच्छी तरह से नहीं जोत पाया, अच्छी तरह से नहीं खोद पाया। वैन द क्रॉप रिपाइंड द फार्म द क्रॉप राइपर्न, द फार्मर फाउंड दैट दिस पार्ट ऑफ द फील्ड यील्डेड पुअर एंड स्मॉल ईयर्स ऑफ कॉर्न। और जब फसल पकी तो फार्मर ने देखा कि जो हिस्सा किसने जोता था, जो हिस्सा राजा ने जोता था, उस पे जो फसल आई है वो कैसी आई है, छोटी सी आई है और पुअर सी आई है और बहुत कम फसल आई है। हाउ कैन यू डू दैट, यू नेवर इवन आस्क्ड हिम हिज नेम, हिज वाइफ रिप्लाई। तो फार्मर की वाइफ बोलती है कि हम ये कैसे करेंगे, हम तो इवन उसका नाम भी नहीं जानते और ना उसके बारे में कुछ जानते हैं। वी कैन नॉट कीप द पर्ल्स, दे आर नॉट आर्स। तो फार्मर बोलता है कि हम इसे नहीं रख सकते, ये हमारा नहीं है। आई मस्ट टेक देम टू द किंग, द फार्मर सेड फर्मली। तो फार्मर बोलता है कि कोई बात नहीं, ये हम किसको जाके देंगे, राजा को जाके देंगे। सो टाइंग द पर्ल्स इन अ बंडल दे लेफ्ट फॉर द किंग पैलेस, और उन पर्ल्स को बंडल में बांध के वो राजा के महल के लिए निकलते हैं। ऑन अराइवल दे वर स्ट्रेट टू द रॉयल कोर्ट, और वह कहाँ पहुँचते हैं, राजा के दरबार में पहुँचते हैं। हियर द किंग सेट ऑन द थ्रोन विथ हिज मिनिस्टर्स, और वहाँ पर क्या होता है, देखते हैं कि राजा अपने सिंहासन पर बैठा होता है अपने मिनिस्टर्स के साथ, एंड नोबल मैन ऑन आइदर साइड, और आस पास में उसके दूसरे जो लोग हैं नोबल मैन होते हैं। द फार्मर एंड हिज वाइफ अप्रोच द थ्रोन विद द बंडल ऑफ पर्ल्स एंड बोर्ड रिस्पेक्टफुली। जो फार्मर और उनकी वाइफ थे वो क्या आता है, राजा के सिंहासन के आगे जाते हैं और जो बंडल होता है पर्ल्स का उसको वहाँ रखते हैं और उनके सामने अपना सर झुकाते हैं। देन रेजिंग देयर हेड्स दे सेट टुगेदर योर मैजेस्टी वे, और उनके सामने झुककर वो बोलते हैं मेरे महाराज, और ये बोलकर वो चुप हो जाते हैं और वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते हैं। दे स्टूड स्पीचलेस, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं। द किंग वॉज नन अदर देन द स्ट्रेंजर हु हैड इंस्टीड ऑन रिप्लेसिंग द फार्मर वाइफ एंड प्लफिंग द फील्ड हिमसेल्फ। और वो राजा वो और कोई नहीं था, वो वही आदमी था, वही नॉर्मल इंसान था जो फार्मर के खेत पे आकर उसने क्या किया था, फार्मर की वाइफ को हटा के उस खेत को प्लफ किया था, जोता था। द फार्मर स्टैमर्ड द किंग, आई मेड द किंग टॉयल लाइक एन ऑर्डिनरी ऑक्स, हाउ विल नेवर फॉरगिव मी। और यह देखकर फार्मर हैरान रह गया और उसने बोला कि मैंने एक ऑर्डिनरी ऑक्स की तरह आपसे ट्रीट किया, ये चीज़ ये गलती मैं कभी नहीं भूलूंगा। देन ही फेल ऑन हिज नीज एंड किस द किंग्स फीट अगेन एंड अगेन, और वो राजा के पैरों में घुटनों में गिर गया और उसने पैरों को बार बार किस किया। योर मैजेस्टी प्लीज़ फॉरगिव मी, उसने बोला मेरे महाराज मुझे माफ़ कर दो। आई मेड अ ग्रेव मिस्टेक प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है आप मुझे माफ़ कर दो। द किंग टू हैड रिकोगनाइज द कपल, और उस राजा को भी वो दोनों कपल याद आ गए। ही स्माइल जेंटली, वाई डू यू आस्क फॉर फॉरगिवनेस, और राजा हल्की सी मुस्कुराहट से बोलता है कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सी द प्रॉब्लम दैट मिसिंग माई सब्जेक्ट, आई एम ग्लैड आई वॉज एबल टू हेल्प यू। वो बोलते हैं कि तुमने तो मुझे एक मौका दिया ये जानने का कि मेरे आस पास में, मेरे राज्य में
किसको क्या परेशानी हो रही है, और मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला। द फार्मर प्लेस द बंडल ऑफ पर्ल एट द किंग्स फीट एंड सेड, और फार्मर ने क्या किया, जो पर्ल्स का बंडल था उसको राजा के पैर में रख दिया और बोला, दिस पर्ल्स वर रिप्ड फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द फील्ड विच यू हैड प्लव, और बोलता है कि ये जो पर्ल है ये कहाँ से मिले, आपने जो खेत में जो जगह जोती थी उस जगह से ये मोती मिले हैं। दे डू नॉट बिलोंग टू अस, ये मोती हमारे नहीं है क्योंकि वो जगह आपने जोती थी, तो ये मोती किसके, आपके हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट देम एज द फ्रूट ऑफ योर लेबर, और आप इसे एक फ्रूट के तौर पर एक्सेप्ट करें। द किंग रिफ्यूज, दिस पर्ल्स ग्रो इन योर फील्ड बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क एंड योर कंसेस्ट विलीजेंस ऑफ योर क्रॉप, ही सेड। तो राजा ने उसको लेने से मना कर दिया, राजा ने बोला कि ये तुम्हारे जगह पे उगे हैं, तुम्हारी हार्ड वर्क तुम्हारी मेहनत से हैं और ये तुम्हारे ही हैं, ये मेरे नहीं हैं। बट द फार्मर वॉज स्टिल रेलुक्टेंट टू एक्सेप्ट द पर्ल, लेकिन फार्मर ने क्या किया, उनको एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया। दिस पर्ल्स आर द फ्रूट ऑफ योर लव एंड सिंपैथी, ये क्या है, ये जो मोती हैं वो एक फ्रूट की तरह है जो आपकी लव और सिंपैथी के लिए हैं। दे कुड नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ माई क्रुएल्टी ही इंस्टीड, ये मेरी क्रुएल्टी का प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके हैं, मैंने तो आपके साथ इतनी बदतमीजी करी इसलिए ये मेरा अधिकार नहीं है, ये आपका है। द किंग देन पिक्ड अप द बंडल ऑफ पर्ल एंड वेंट अप टू द फार्मर वाइफ, और उस राजा ने उनको लिया उस बंडल को और फार्मर्स की वाइफ के पास गया। आई हैव कॉल्ड यू माई सिस्टर, वो बोलते कि तुम्हें मैंने अपनी बहन माना है, विल यू प्लीज़ एक्सेप्ट दिस लिटिल गिफ्ट फ्रॉम योर ब्रदर, तो क्या तुम अपने भाई की तरफ से ये एक छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी। नाउ द फार्मर एंड हिज वाइफ कुड नॉट रिफ्यूज द गिफ्ट, और इस बार उस फार्मर ने उसकी वाइफ ने उस गिफ्ट को रिफ्यूज़ नहीं किया। एंड सो द डिस्प्यूट वॉज सेटल एम्बियसली, और वो जो डिस्प्यूट था वो बिल्कुल फ्रेंडली मैनर से ख़त्म हो गया। थैंक यू।